कवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीआरएससी यूनिवर्सिटी ने जो बीएड रीअपीयर के एग्जाम की जो डेट शीट है वो निकाल दी गई है। बीएड के रीअपीयर के एग्जाम में ये बात ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, कहीं आप लोग सोचे कि हमारे जो रेगुलर और फ्रेश स्टूडेंट के एग्जाम, ये रीअपीयर के एग्जाम है। अभी बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे 6 तारीख से एग्जाम है, लेकिन अभी तक ना तो हमारे पास एनी 5 क्वेश्चन का जो नोटिस है वो आया है, ना ही हमारे एडमिट कार्ड का कोई नोटिस आया। कहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, कब होंगे, तो वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एनी 5 का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो एनी 5 का जो ऑप्शन है उसके लिए यूनिवर्सिटी नोटिस अपडेट कर देगी, अदरवाइज अगर नोटिस अपडेट ना हो तो आप लोग समझ लेना कि हमारा कोई एनी 5 का ऑप्शन नहीं है। जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी लिखा हो उसके हिसाब से आप लोगों को एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, एडमिट कार्ड जैसे ही आप लोगों के आ जाएंगे 27 से लेकर 6 के बीच में आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और जहां तक हमारा सजेशन है, हमारा गैसेज है, वो अभी तक कभी भी फेल नहीं गया है। तो एडमिट कार्ड आप लोगों को यहां पे एग्जामिनेशन एक्टिविटी में जाके आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कैसे करना वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। डाउनलोड में एडमिट कार्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें कौन सा भरना है, जब आप लोगों ने ये फीयर का फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने से पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, जैसे 2019166100034 जो भी है, ये वाला आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पे फिल करना, आप लोगों को फिल करने के बाद जैसे ही आपको व्यू पे करोगे, व्यू पे करने के बाद आप लोग एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड का नोटिस आ जाएगा मैं आप लोगों को तुरंत फास्टली अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को सीआरएस यूनिवर्सिटी से रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।